सो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर माइनक्राफ्ट में। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुका हूँ धमाकेदार टेक्निक। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको माइनक्राफ्ट की एक ऐसी हॉन्टेड एंड ऐसी मिस्टीरियस डार्कनेस सीड बताऊंगा जो आपके माइनक्राफ्ट के पॉकेट एडिशन एंड जावा एडिशन दोनों पे वर्क करती है। और आप इस सीड को ज्वाइन करते ही आपको कमाल कमाल के एंटिटी एंड कमाल के आपको मॉन्स्टर देखने को मिलेंगे। जी हाँ, अगर आप लोग भी माइनक्राफ्ट खेलते हैं वो भी पॉकेट एडिशन या फिर जावा एडिशन में, तो आपको लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होगी। इस वीडियो में मैं आपको जो ट्रिक और जो टेक्निक बताऊंगा, आप इसी टेक्निक की मदद से अपने माइनक्राफ्ट को कमाल का बना सकते हैं और कमाल कमाल के आपको एंटिटी भी मिलेंगे। जी हाँ, ऐसे एंटिटी जिनसे आप फाइट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जी हाँ, क्योंकि अगर आपके पास फुल नेदराइट आर्मर भी है तब भी आप इनसे फाइट बिल्कुल भी ले नहीं सकते। तो आज मैं ऐसे ही मिस्टीरियस डार्कनेस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करूँगा और पता करूँगा क्या सच में इस सीड के अंदर हमें कोई एंटिटी या फिर कोई मॉन्स्टर मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैंने काफ़ी रिसर्च की, उसके बाद मुझे ये सीड का पता चला है और आज मैं इसी सीड को ज्वाइन करके आपको बताऊँगा कि इस सीड के अंदर कोई एंटिटी एग्जिट करता है या नहीं। तो दोस्तों चलिए आज की ये वीडियो मैं शुरू करता हूँ और आपको लेके चलता हूँ माइनक्राफ्ट की इसी मिस्टीरियस डार्कनेस सीड के अंदर। उससे पहले अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम चलते हैं हमारे एक न्यू वर्ल्ड जनरेट करने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक न्यू वर्ल्ड जनरेट करना है, तो सबसे पहले आप अपने वर्ल्ड का नाम दे दीजिए, गेम मोड आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको अपनी सीड डालनी है। तो सीड आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है। सीड आपको डालनी है 4358926963471। आपको ये वाली सीड डालनी है, उसके बाद आप अपने हिसाब से सेटिंग और ग्राफिक्स ऑन कर सकते हो और अपने वर्ल्ड को जनरेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ देर वेट करूँगा ताकि मेरा वर्ल्ड जनरेट कंप्लीट हो जाए। तो हमारा स्पॉन पॉइंट कुछ इस तरह का होने वाला है। जैसे ही आप स्पॉन हो जाओगे तो आपका स्पॉन पॉइंट कुछ इस तरह का होगा। तो सबसे पहले आपको वुड कलेक्ट करके अपने लिए वुड के टूल बनाने, और पास में मुझे कहीं पे स्टोन मिल जाए तो और भी अच्छा होगा। तो यहाँ से मैं सबसे पहले अपने लिए वुड कलेक्ट कर लेता हूँ और वुड के जो टूल है वो बना लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ से ढेर सारा स्टोन भी कलेक्ट कर लिया है। अब सबसे पहले मैं अपने लिए एक स्टोन की पिकेक्स बनाऊंगा और एक एक्स बना लूंगा। उसके बाद अपनी क्राफ्टिंग टेबल कलेक्ट करता हूँ और अपनी जर्नी शुरू करता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस तरफ जाऊँ, ऑलमोस्ट 10,000 ब्लॉक इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करूँगा और पता करूँगा क्या सच में इस सीड के अंदर कोई एंटिटी एग्जिट करता है या नहीं। तो दोस्तों साथ ही मैं अपने लिए जितना भी रास्ते में फूड मिलेगा, जैसे कि ये शिप हमें मिली है, तो इस तरह से मैं फूड भी कलेक्ट करता जाऊंगा। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और मैं 10,000 ब्लॉक की ये एक्सप्लोरन जर्नी जो है कंप्लीट करता हूं, उसके बाद आपसे मिलता हूं। यहाँ पे काफ़ी फूड है तो मुझे लगता है काफ़ी फूड की जो है मेरे पास कोई भी कमी नहीं होगी। चलिए दोस्तों जर्नी कम्प्लीट करके आपसे मिलता हूं। तो दोस्तों काफ़ी सफ़र करने के बाद मैं ऑलमोस्ट 3,000 ब्लॉक कंप्लीट करने वाला हूँ। जी हाँ, 3,000 ब्लॉक कंप्लीट होने वाले हैं, लेकिन अभी तक मुझे सीड के अंदर ना ही कोई विलेज मिला है और ना ही कोई मुझे जो है स्ट्रक्चर या फिर कोई मॉन्स्टर मिला है। तो मैं अपनी आगे की जर्नी कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों मैं ऑलमोस्ट 6,000 ब्लॉक कंप्लीट करने वाला हूँ, लेकिन अभी तक मुझे इस जर्नी में ना ही कोई स्ट्रक्चर या फिर कोई मॉन्स्टर या फिर कोई भी ग्लिच देखने को मिला है। तो मैं आगे की जर्नी कंप्लीट करता हूं और अगर मुझे रास्ते में कुछ भी मिला तो मैं आगे आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों आगे की जर्नी कंप्लीट करके आपसे मिलता हूं। तो दोस्तों मैंने 10,000 ब्लॉक की ये जर्नी कंप्लीट कर ली, लेकिन अभी तक मुझे सीड के अंदर ना ही कोई मॉन्स्टर मिला है और ना ही कोई एंटिटी। तो हो सकता है कि हमारे लेटेस्ट अपडेट में अब ये सीड वर्क नहीं कर रही है। अगर आप इस सीड को ट्राई करना चाहते हो तो माइनक्राफ्ट के ओल्ड वर्जन में ट्राई कर सकते हो,
वहाँ पे ये सीट अब भी काम कर रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।